देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अगस्त 5 के दिन जो डिसीजंस लिए गए, जिसमें आर्टिकल 370 35A को एब्रोगेट किया गया और काफ़ी स्पाइटफुली हमारी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में, तो अगर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर हमें कश्मीरियों के लिए कुछ वापस लाना है, तो हमारे पास उस पार्लियामेंट को और हिंदुस्तान के लोगों को एंगेज करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमारी पार्टी को इनविटेशन आया था इंडिया फाउंडेशन के यूथ थिंकर्स प्रोग्राम में बोलने का, और जब हमारे लीडर सजाद साहब ने सुना तो उन्होंने कहा मैं तो खुद जाऊंगा, मैं तो खुद वहां पे कश्मीरियों की बात रखूंगा, और वो वहां गए, काफ़ी धुआंधार स्पीच वहां पे करी और उन्होंने वहां पे वही बात रखी जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली में रखी थी। उन्होंने कश्मीरियों की पेन को हाईलाइट किया, जो ह्यूमिलिएशन अगस्त 5 के बाद हुई है यहाँ पे, उसको हाईलाइट किया। और अगर आपने देखा होता इस इवेंट के बाद काफ़ी जो वहाँ पे यंग थिंकर्स थे, जो आरएसएस या बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्होंने ट्वीट किए थे कि कैसे उनका पर्सपेक्टिव कश्मीर के बारे में कम्प्लीटली चेंज हुआ है। उनने ये भी ट्वीट किया था कि सजाद साहब के एड्रेस के बाद उनकी जो मिसकंसेप्शंस थी कश्मीरियों के बारे में, कश्मीर इशू के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, इवन स्टेटहुड के बारे में, वो दूर हुई। कहीं पे उन्होंने ये भी अग्री किया कि हाँ, जो अगस्त 5 को हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो गलत हुआ। हमारी पार्टी तो बिलीव ही करती है एंगेजमेंट पे, डायलॉग के थ्रू, रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवियंसेस पे। तो हर जगह जाएंगे, सिर्फ इसी इवेंट में नहीं, हम तो हर जगह जाएंगे जो हमको बुलाएगा, चाहे वो कांग्रेस बुलाए हमको, तृणमूल कांग्रेस बुलाए हमको, शरद पवार जी की पार्टी बुलाए, इवन आरजेडी हमको बुलाए, हम तो जाएंगे वहाँ पे कश्मीर के लोगों की, कश्मीर की जो पेन, यहाँ के लोगों की जो पेन है, जो ह्यूमिलिएशन हुई है अगस्त 5 के बाद, उसकी बात वहाँ बिलखसूस रखेंगे। हम एंगेजमेंट से दूर नहीं हटना चाहते हैं। जो लोग एंगेजमेंट के ख़िलाफ़ है वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है, वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ वापस नहीं मिलना चाहिए, कि हम जैसे अभी अगस्त 5 के बाद जिस माहौल में, जिस स्टेटस में है, हम उसी स्टेटस में रहने चाहिए ताकि उनकी पॉलिटिकल दुकानें चलती रहें। तो हमारे पास अगर हम यहाँ के लीडरों को ये एक बात समझनी चाहिए ताकि उनकी पॉलिटिकल दुकानें चलती रहें तो हमारे पास अगर हम यहाँ के लीडरों को ये एक बात समझनी चाहिए कि अगर हमें कश्मीर के लोगों के लिए, जो हमसे छीना गया है अगस्त 5 के दिन, वो अगर हमें वापस लाना है, तो डायलॉग और एंगेजमेंट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये एंगेजमेंट हमें महदूद नहीं रखनी चाहिए, एक पर्टिकुलर तबके के साथ हम एंगेज करेंगे, हम जी सिर्फ अब कश्मीर के लोगों के साथ एंगेज करेंगे, नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए।